तो जो टॉपिक है हमारा वो सीएसवी फाइल रीड ऑपरेशन, सॉरी एडवांटेजेस हैं, वो उसको हम पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एडवांटेज ये है सीएसवी फाइल का, मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया भी था कि एक तो इजी टू क्रिएट होता है, मतलब सिंपली वी कैन क्रिएट। और सीएसवी फाइल है क्या बताएंगे आप लोग? टेबुलर फॉर्म में डाटा मेंटेन करनी टेबुलर है, फॉर्म में डेटा कॉमास मेंटेन करना है, लेकिन सी फॉर कॉमा, तो कॉमा कॉमा सेपरेट, हाँ सेपरेटेड कॉमा वैल्यू। सेपरेट वैल्यूज का इसमें यूज़ करेंगे। और मशीन लर्निंग में जो आप अपने डोमेन में कुछ भी स्टार्ट करेंगे उसमें हम जो डेटा सेट क्रिएट करेंगे वो सब सीएसवी फाइल पर होगा हमारा, ठीक है, पहली बात। सेकेंडली वी कैन परफॉर्म इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट फॉर डेटाबेस, मतलब आप इम्पोर्टिंग कर सकते हैं, एक्सपोर्टिंग कर सकते हैं डेटाबेस से। डेटाबेस हर एक रियल टाइम प्रोजेक्ट का ही डेटाबेस होता है, वहाँ से आप उसको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में कैपेबल ऑफ स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा अगर आपके पास है तो वो भी इजीली सीएसवी पर स्टोर किया जा सकता है। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं जो सीएसवी के हम देखेंगे, फील करेंगे इनको। देखिए, दिस इज़ योर ट्रेनिंग कोर्स, सो आई नेवर बिलीव दैट एवरीथिंग आई विल कंप्लीट इन थ्योरी, तो इसको प्रैक्टिकली ही देखेंगे। तो ये आपके मतलब का ये है कि आपको थ्योरी का पता होना चाहिए, डेट से नाउ नथिंग इज श्योर इन दिस टॉपिक। चलिए, सो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो जब मैं पाइथन में इसको स्टार्ट करूँगा तो जिस मॉड्यूल का मैं यूज़ करूँगा माई मॉड्यूल नेम विल बी सीएसवी। सो जो मॉड्यूल है वो सीएसवी है, ठीक है। नाउ यू ऑल नो, लास्ट मैंने बताया भी था कि मॉड्यूल के अंदर फंक्शंस होते हैं, तो मेनली हम जिन फंक्शंस पे काम करेंगे, आपका काम क्या है, एक फाइल को अपने प्रोग्राम में लेके आना, ठीक है। उसके बाद उस फाइल में मैं जो भी रिसर्च कर रहा हूँ, जो भी मेरा एक पर्पस है, वो लेटर पार्ट है, वो अलग सी चीज़ है, वो मशीन लर्निंग बताएगा। लेकिन उस फाइल को मैं रीड कर रहा हूँ, उस फाइल पे मैं राइट कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, तो डेट इज़ डन बाय योर मॉड्यूल सीएसवी। तो सीएसवी से मॉड्यूल, तो हियर वी कैन से द फर्स्ट पॉइंट इज़ कि अगर हम सीएसवी की बात करें तो सीएसवी एक मॉड्यूल होता है, सीएसवी इज़ अ मॉड्यूल। तो अगर ये मॉड्यूल है तो इसको मैं करूँगा इम्पोर्ट सीएसवी, मतलब मुझे पाइथन में लिखना पड़ेगा कि भाई मैं सीएसवी मॉड्यूल को इम्पोर्ट कर रहा हूँ। सेकेंड थिंग, वी यूज़ अ फंक्शन राइटर, ठीक है। नाउ ये क्या करता है फंक्शन, ये राइटर फंक्शन है, राइट फॉर सी एस वी फाइल। मुझे कोई डेटा अगर सी एस वी फाइल पे राइट करना है तो जिस फंक्शन का मैं यूज करूंगा उस फंक्शन को हम बोलेंगे राइटर फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास रीडर फंक्शन, ठीक है। ये फंक्शन क्या होता है, ये सी एस वी फाइल पर रीड ऑपरेशन अप्लाई करने के लिए यूज किया जाता है, तो ये आपका रीडर फंक्शन होता है, राइटर फंक्शन एंड रीडर फंक्शन, ठीक है। चलिए, तो ये सब चीज़ें आपके पास हो गई। अब अगर मैं इसको कहूँ कि फाइल को आपको ओपन करना है, तो फाइल को ओपन करने के लिए कैसे ओपन करेंगे देखेंगे इसको। तो ये तो है मेन फंक्शन जिनका हम यूज़ करने वाले हैं कि कैसे हम राइट करेंगे, कैसे हम रीड करेंगे। तो सी एस पी एक मॉड्यूल है जिसको इस तरीके से इम्पोर्ट किया जाएगा। राइटर फंक्शन के थ्रू मैं कुछ भी राइट कर सकता हूँ, रीडर फंक्शन के थ्रू मैं उस सी एस पी फाइल को अपने प्रोग्राम में रीड कर सकता हूँ, ठीक है। चलिए, अब इसको कैसे ओपन करते हैं ये भी एक समझने वाला टॉपिक है, इसको भी देख लेते हैं। सो ओपन के लिए आप ओपन फंक्शन का यूज करेंगे, कैसे लिखा जाएगा देख लेते हैं। एफ इक्वल्स टू ओपन, फाइल का नेम लेट से डी डॉट सी एस वी, सी एस वी ऐसे करके लिखेंगे। और यहाँ पे मैं फाइल मोड असाइन करूँगा डब्ल्यू, डब्ल्यू फॉर राइट,
तो मतलब ये जो मेरा एफ ऑब्जेक्ट है ये इस पे राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ये कहने का मतलब हो गया। अगर मुझे रीड करना है तो डैट मीन्स वर्ड कि ये तो मेरा राइट ऑपरेशन के लिए ही यूज होगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इट इज यूज फॉर राइट ऑपरेशन। उसी के अपोजिट अगर मुझे रीड करना है तो रीड करने के लिए मैं क्या मेथड यूज करूंगा वो भी देख लेते हैं। तो रीड करने के लिए एफ इक्वल्स टू ओपन, फाइल का नाम डी डॉट सी एस वी और यहाँ पे हम आर देंगे। तो आर का मतलब है कि ये रीड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, रीड ऑपरेशन, ठीक है, रीड ऑपरेशन, ठीक। और इसमें एक चीज है, एक डेलीमीटर का यूज करते हैं कॉमा से, ताकि जो ये शो करे कि हम हर चीज को कॉमा से यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा जाता है डेलीमीटर इक्वल्स टू, ओपन जब हम करते हैं राइट रो हम करते हैं तो डेलीमीटर लिखा जाता है इक्वल्स टू कॉमा लिखा जाता है, ताकि हर डेटा एक कॉमा से सेपरेट किया जाए। सेमीकोलन करेंगे उससे भी सेपरेट हो जाएगा, लेकिन हम बाय डिफॉल्ट नेम है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, तो उसका हम यूज़ करेंगे। और आपको अगर फाइल को क्लोज करना है, बिकॉज हमेशा कहा जाता है कि जब फाइल को ओपन किया है तो उसको क्लोज भी किया जाए, तो उसके लिए आप क्लोज फंक्शन का यूज़ करेंगे, ठीक है, क्लोज फंक्शन का आप यूज़ करेंगे। तो ये बेसिकली कुछ चीज़ें हैं हमारे पास जो हमें इम्पॉर्टेंट हैं ये समझने के लिए कि कैसे हम रीड एंड राइट ऑपरेशन को अब परफॉर्म कर सकते हैं इन ए सी एस पी फाइल। अब पैरा टॉपिक में स्टार्ट कर रहा हूँ विद अ प्रोग्राम एंड डेट इज राइटिंग इन सी एस पी फाइल। सर डेलीमीटर जरूरी है लिखना, मतलब बाय डिफॉल्ट नहीं करेगा? अगर आप बाय डिफॉल्ट नहीं लिखोगे तो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम उसको अलग तरीके से ट्रीट करता है, तो मुझे डेलीमीटर इक्वल्स टू कॉमा लिखना पड़ेगा। मैं अगर मैं नहीं लिखता हूँ तो विंडोज़ क्या करेगा ना, विंडोज़ उसको मतलब हर एक रिकॉर्ड को नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में लिखता जाएगा, एक रिकॉर्ड के अंदर कुछ फील्ड हैं तो उसको नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में लिखता जाएगा, और डेलीमीटर इक्वल्स टू का कॉमा लिखा जाएगा तो वो उसको एक ही लाइन में लिखता जाएगा, एक पूरे रिकॉर्ड में जो वैल्यूज़ हैं वो एक पूरी रो में आ जाएंगी, उसके बाद जो नेक्स्ट रिकॉर्ड है वो दूसरे रो में आ जाएगा। तो अगर मैं इसको नहीं लिखता हूँ तो फिर ये विंडोज़ की ना प्रॉपर्टीज़ होती हैं अपनी, ये विंडोज़ है। अगर आप इसी प्रोग्राम को अगर लिनक्स में बनाओगे तो उसके कुछ अलग फिनोमेना है, तो इसलिए ये स्पेसिफाई करना मस्ट होता है कि डेलीमीटर को आप स्पेसिफाई करो, ठीक है, बाकी देख लेंगे इसमें। ठीक, तो पहला जो फंक्शन है जो राइट के लिए ऑपरेशन हम यूज़ करते हैं वो हमारा राइटर है, तो कॉल करने का तरीका होगा सी एस पी, चूँकि मैं इम्पोर्ट सी एस पी करूँगा। तो यदि मैं इम्पोर्ट सी एस पी कर रहा हूँ तो सी एस पी डॉट राइटर फंक्शन को मैं इस तरीके से यूज़ करूँगा, ठीक है। ये करता क्या है देख लेते हैं, इट रिटर्न अ राइटर ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे और वो ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली राइटर ऑब्जेक्ट बन जाएगा, जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है वो राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो रिटर्न अ राइटर ऑब्जेक्ट विच राइट्स डेटा इन सी एस पी फाइल, जो डेटा को सी एस पी फाइल पर राइट करेगा। और उसी के साथ एक और ऑब्जेक्ट है हमारे पास, एक और फंक्शन है, वो है राइट रो। तो उसके लिए हम कैसे यूज करते हैं देखेंगे, राइटर ऑब्जेक्ट जो भी हमने बनाया डॉट करेंगे राइट रो कर देंगे, ये फंक्शन का यूज करेंगे। ये फंक्शन क्या करेगा, इट राइट्स वन रो डेटा ऑन राइटर ऑब्जेक्ट, एक पूरे रो का डेटा जो है राइटर ऑब्जेक्ट को शेयर करता है, और फिर राइटर ऑब्जेक्ट क्या करता है उसको पूरी एक फाइल पर राइट कर देता है इजीली। तो ये बेसिकली पर्पस है कैसे हम राइट रो का डेटा यूज करेंगे, कैसे हम राइट रो फंक्शन का यूज करेंगे। तो मेन इंपॉर्टेंट बात जो बताने वाली है इसमें वो ये है कि सबसे पहली बात तो आप राइटर का यूज करेंगे, तो जैसे ही आप राइटर का यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, एक डेटा को राइट करता है सी एस पी फाइल पर। लेकिन अगर मैं राइट रो का यूज़ करता हूँ तो राइट रो क्या करता है, ये पूरे एक रिकॉर्ड को रो वाइज राइट करता हुआ जाता है। ये बेसिकली इसमें हम कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं राइट रो का, ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए मैं इसमें बिना डेलीमीटर के इसको यूज़ करूँगा, देखते हैं इसमें क्या इफेक्ट आता है। तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए मैं इसको आपका
आइडियली मोड पे इसको सेट करता हूँ। तो पहला प्रोग्राम है हमारा राइट ऑपरेशन का, राइट ऑपरेशन इन सीएसवी फाइल। देखते हैं, सबसे पहली बात तो आप इंपोर्ट करेंगे सीएसवी। मैं कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाना चाह रहा हूँ कि मुझे राइट ऑपरेशन इन सीएसवी फाइल यूजिंग राइटर फंक्शन। राइट रो फंक्शन, ठीक है, राइट रो फंक्शन कैसे कर लेते हैं। देखेंगे इसको, तो इंपोर्ट करते हैं सीएसवी को। सबसे पहले मैं अपना फाइल ऑब्जेक्ट बनाता हूं, लेट्स से माय ऑब्जेक्ट नेम इज ओबीजे। अब ये क्या करेगा, ये सबसे पहले एक फाइल को ओपन करेगा। तो फाइल को ओपन करने का मतलब बेसिकली क्या है कि आप एक फाइल को डिफॉल्ट लोकेशन पे ओपन, क्रिएट एंड ओपन करेंगे एक्चुअल में, ठीक है, ये इसका मतलब है। तो मैं एक सी एस वी फाइल क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम है stu123.csv, ऐसा कुछ, ठीक है। उसके बाद मैं इसमें फाइल मोड सेट कर रहा हूँ w, और यहाँ पे एक लाइन को ऐड कर रहा हूँ, न्यू लाइन इक्वल्स टू सिंगल कोड में ऐसा कुछ, न्यू लाइन। सो ये न्यू लाइन का फीचर जो है ये इसलिए यूज किया जा रहा है कि जब भी आप रिकॉर्ड्स को बनाएं, वो डेलिमीटर का कॉन्सेप्ट अलग है, अभी बता दूंगा। डेलिमीटर में क्या होगा, हर एक उस पर कॉमा आना स्टार्ट हो जाएगा, वैसे ये बाय डिफॉल्ट भी आ जाएगा, लेकिन जब न्यू लाइन का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं तो ये मेंशन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हर ऑपरेटिंग सिस्टम में इसको अलग अलग तरीके से यूज़ करता है। तो मैं अगर न्यू लाइन इक्वल्स टू ये लिख देता हूँ तो डेट मीन्स वर्ड कि जो ये विंडो की अपनी सेटिंग्स होगी उसके हिसाब से उसको सेट कर देगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही रो के बाद दूसरी रो में भी एक ही लाइन पर आ गया, या एक रो के बाद तीसरी लाइन पे दूसरा रिकॉर्ड आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैं न्यू लाइन इक्वल्स टू इस तरह से इसको मेंशन करूँगा, सो डैट मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो सिस्टमेटिकली मुझे दिख जाए, मेरा रिकॉर्ड मुझे सिस्टमेटिकली दिख जाता है इससे, ठीक है। अब देखेंगे इसमें, अब नेक्स्ट इसमें एक राइटर ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ये हमारा राइटर ऑब्जेक्ट है, कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। ये क्या करेगा, ये सारे काम करेगा राइट वाले। तो मैं लिख देता हूँ csv.writer। तो csv.writer का मतलब है कि अब जो भी काम आपका ये obj करेगा वो सारा काम मैंने राइटर को दे दिया, ठीक है, ये इसका मतलब है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं यहाँ पे एक obj जिस फाइल को क्रिएट करेगा उस फाइल के सारे राइट्स आपके पास stu writer के पास आ जाएंगे, ये इसका मतलब है, ठीक है। और राइटर अब क्या करेगा वो चेक कर लेते हैं, देखते हैं इसमें stu writer.writerRow, ठीक है। और ये क्या राइट करेगा देख लेते हैं, मैं एक एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन एंटर करना चाहता हूँ, तो एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन सबसे पहले आएगा emp_id, पहली इंफॉर्मेशन है। दूसरी इंफॉर्मेशन है नेम, इसको ऐसे लिख देते हैं emp_id emp_name, और तीसरी इंफॉर्मेशन है उसकी सैलरी जो होती है, तो salary इसकी सैलरी हो गई, तो इसको ऐसे हम क्लोज कर देते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास एक पहली हेडिंग राइट कर दी हमने, जिसमें हमने क्या करा, हमने पहले रिकॉर्ड को एज इट इज इसमें राइट करवा दिया। तो पहला रिकॉर्ड हमारी हेडिंग है, तो अगर ये हमारी हेडिंग है तो हेडिंग हमारी ये सब चीज़ें जो है एम्प्लॉयज़ की हेडिंग ये सब इस तरह से चल जाएंगी हमारी, ठीक है। तो ये बेसिक कंडीशन है इसमें कैसे ये प्रोग्राम हमारा वर्क करेगा फिलहाल यहाँ तक। उसके बाद हम राइट जब करना स्टार्ट करेंगे तो वो कुछ अलग वे में काम करेगा, तो उसको चेक कर लेते हैं। देखिएगा, सबसे पहली बात तो मैं एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करता हूँ जिसके अंदर रिकॉर्ड मेरा इंसर्ट करता जाएगा। देखते हैं इसमें, मुझे एम्प्लॉय आईडी ये सब चीजों को एक जगह पे राइट करना है, तो ये कैसे राइट होगा चेक कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो एएमपी नेम कर लेते हैं या आईडी के नाम से वेरिएबल बनाते हैं, आईडी इक्वल्स टू
दूसरा जो है वो है हमारे पास नेम। सो नेम को ऐसे लिख देते हैं, नेम इज एन स्ट्रिंग, सो एंटर द नेम। तीसरा है इसमें सैलरी, तो सैलरी जो है हमारा वो फ्लोट में भी हो सकता है, तो इसको हम इनपुट इस तरह से कर देते हैं। ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने क्या करा, हमने मैंने तीन इन्फॉर्मेशन एक टाइम पे क्रिएट कर दी, तीन इन्फॉर्मेशन को हमने एक टाइम पे क्रिएट किया। अब एक टाइम पे क्रिएट करने के बाद हम क्या करेंगे इसमें, बेसिकली इसमें हम अब इसको एक जगह पे कंबाइन करेंगे। तो एक जगह पे कंबाइन करने का मतलब है, मैंने लिखा मान लिया एसटीडी इक्वल्स टू, पहला है हमारा रिकॉर्ड आईडी का, दूसरा रिकॉर्ड है हमारा नेम का, और तीसरा रिकॉर्ड है हमारा सैलरी का। ये तीनों को मैंने एक जगह पे कंबाइन कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही मैंने कंबाइन करा, उसके बाद मैं इसमें मेरे पास जो एम्प्टी लिस्ट बनी है, जैसे रिकॉर्ड आ रहा है, मैं उसमें उसको अपेंड करता हूँ, तो ये अपेंड हो जाएगा rec.append, और अपेंड किसको करना है, एसटीडी को करना है, तो एक रिकॉर्ड पूरा इसमें आ जाएगा। अब ऐसे ही ये चलता रहेगा, ऐसे ही ये चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चॉइस देते हैं यूजर को, तो ये सिस्टम हमारा इस तरीके से काम कर रहा है। हर बार जब तक मैं कैपिटल वाई प्रेस करूंगा तो मेरा लूप चलता जाएगा, और हर बार मैं एक नई आईडी, नई नेम, नई सैलरी को इनपुट करूंगा, उसको मैं एसटीडी के अंदर स्टोर करूंगा। एसटीडी क्या करेगा, इसको अपेंड करेगा रिकॉर्ड नाम के एम्प्टी लिस्ट पे, तो हर बार उस पर एक नया नया रिकॉर्ड लास्ट में ऐड होता जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन अभी जो मेन बात है ये है, वो ये है कि इसमें हमने अभी रिकॉर्ड को राइट नहीं किया है सीएसपी फाइल पे। मैंने पहली बार यहाँ पे लिखा था ऐसा कुछ, लेकिन अभी तक मैंने रिकॉर्ड को राइट नहीं किया है। तो रिकॉर्ड को राइट कैसे किया जाएगा वो चेक कर लेते हैं। उसको चेक करने के लिए सिंपल सा फिनोमेना है, मेरे पास REC नाम की एक लिस्ट है जिसके पास सारे रिकॉर्ड आ चुके हैं। अगर मैं एग्जीक्यूट करूँ फॉर आई इन REC, तो हर बार REC एक वेरिएबल है, उसके पास एक रिकॉर्ड आएगा, ठीक है। उस रिकॉर्ड को आप कैसे राइट करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, जो सेम लाइन मैंने पहले लिखी थी, स्टूडेंट राइटर डॉट राइट रो, और राइट आपको करना क्या है, आपको आई को राइट करना है। तो ये इस तरीके से फाइल को राइट किया जाएगा। अब ये हमेशा रिकमेंड होता है कि भाई आपने जिस फाइल को ओपन किया है उसको प्रॉपरली सेव किया जाए, तो उसको सेव करने के लिए हम obj.close करेंगे, तो फाइल को हमारे सेव हो जाएगा। और यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं कि प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, तो हेयर वी हैव प्रोग्राम ठीक है। तो इस चीज को समझिएगा कि यहाँ पर ये जो ओबीजे है ये तो फाइल को ओपन और क्लोज करने के काम आ रहा है, लेकिन मैंने ओबीजे के सारे राइट्स इसको दे दिए, तो ये एक राइटर ऑब्जेक्ट बन गया। अब जितना भी राइट ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो हमारा बेसिकली यही ऑब्जेक्ट करेगा, तो सारा काम इस राइट ऑब्जेक्ट का है जो इस तरीके से इसको परफॉर्म करेगा, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं कि क्या प्रोग्राम रन हमारा करेगा या नहीं करेगा। तो इसको मैं पहला नाम लिखता हूँ example1.cs.py, डेट इज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम।
तो इसमें एक इनवैलिड सिंटेक्स का एक एरर है और वो है बेसिकली ई एम पी अंडर स्कोर नेम और सैलरी। तो ई एम पी अंडर स्कोर नेम ओके ब्रैकेट क्लोज नहीं हुआ है, इसको ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं, फिर दोबारा रन करते हैं, फिर देखते हैं। इनवैलिड सिंटेक्स बता रहा है ई एम पी अंडर स्कोर नेम से कोमा के पहले वो आएगा, कोमा से पहले ई एम पी आई डी के बाद। नहीं 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 वो सही है, वो सही है, गलत एक्चुअल में ये है, पहले हाँ ये आएगा फिर कोमा आएगा। आएगा हाँ ठीक है, हाँ जी फिर ये आएगा और फिर कोमा आएगा, ठीक है ओके। अच्छा चॉइस में भी मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया है, कोई बात नहीं, स्मॉल एरर है, तो बड़ा भी बड़ा इशू नहीं है। ओके न्यू लाइन, इलीगल न्यू लाइन वैल्यू, इलीगल न्यू लाइन वैल्यू, तो इलीगल न्यू लाइन वैल्यू में चेक करते हैं एक बार, इसको दोबारा रन करते हैं, ठीक है चल गया, स्पेसिंग देना होता है उसमें। तो एंटर माई एम्प्लॉय आई डी 101, नेम है मानिक, सैलरी है 32,000। अब चॉइस पूछेगा, मैं दोबारा वाई प्रेस करता हूँ, आईडी है 102, नेम है विवेक, सैलरी है 45,000, फिर वाई करते हैं, देन अखिलेश, अखिलेश ओके ओके, आईडी पे एरर आ गया, ठीक है चलिए खैर इसको एक बार चेक कर लेते हैं, ये राइट शायद नहीं हुआ होगा, मैं इसको दोबारा रन करता हूँ क्योंकि वेरीफाई करना जरूरी है। 101 है, मानिक है और सैलरी है 34,000, वाई प्रेस किया, 102, नेम है विवेक, सैलरी है 32,000, फिर वाई करते हैं, नेक्स्ट है 103, अखिलेश, सैलरी है 36,000, फिर वाई करते हैं, फिर लिखते हैं 106, नेम है नवलप्रीत, सैलरी है 38,000। नाउ आई डोंट वांट टू प्रोसीड, सो एंड करूंगा, प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, तो प्रोग्राम मेरा एग्जीक्यूट हो गया है। तो इस तरीके से मैं CSV फाइल को क्रिएट कर रहा हूँ। अब हम स्विच करते हैं इस लोकेशन पे जहाँ पे हमें ये मिल जाएगा, चेक कर लेते हैं, लोकेशन हमें पता है, यूज़र पे जाएंगे, यूज़र नेम पे जाएंगे, ऐप डेटा पे जाएंगे, लोकल पे जाएंगे, एंड देन आफ्टरवर्ड्स वी मूव टू द प्रोग्राम्स फॉर्मेशन, पाइथन पे जाएंगे, 37 पे जाएंगे और यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या हमारे पास जो फाइल थी, डेट फाइल विच वी हैव क्रिएटेड द नेम वॉज STU123, तो STU123 नाम की फाइल को चेक करते हैं। STU123.csv फाइल क्रिएट हो गई है, इसको अगर मैं ओपन करता हूँ तो चेक करते हैं, नोट पैड में ओपन करेंगे तो कॉमा फॉर्म में आपको ये मिल जाएगा, ये आ रहा है आपके पास डेटा जो एक csv फाइल का डेटा है, लेकिन हमेशा हम रिकमेंड करते हैं कि इसको हम एक्सेल में ही ओपन करें, कॉमा तो नहीं दिखता उसमें, लेकिन ये है कि हमें एक टेबलर फॉर्मेट में डेटा मिल जाता है, तो ये हमारे पास एक डेटा सेट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको यूज़ करेंगे, कैसे हम अपनी csv फाइल को बना सकते हैं, ठीक है चलिए अब इसी को समझ लेते हैं कि अगर मैं न्यू लाइन का यूज़ नहीं करता तो फिर क्या चेंज होते। तो मैं इसी प्रोग्राम को दोबारा चलाता हूँ, मैं इसको लिखता हूँ 1, 2, 4, हमें क्लियर हो जाएगा, और आई एम नॉट यूजिंग एनी डेलिमिटर, एनी न्यू लाइन कैरेक्टर। तो अगर नहीं करता हूँ तो क्या एरर शो करेगा, ये चेक कर लेते हैं पहली बार, तो एरर शो नहीं कर रहा है। पहली बार मैं एम्प्लॉय आई डी लिखता हूँ 101, दो रिकॉर्ड की बनाता हूँ, मानिक, सैलरी इज 32,000, एंड यस दोबारा कंटिन्यू करते हैं। दूसरा एम्प्लॉय आई डी है अखिलेश, ओके हमेशा मिस हो जा रहा है, तो आईडी है 101, मानिक 32,000। दूसरा है वाई, आईडी है 103,
नेम है अखिलेश, सैलरी है 45,000, फिर मुझे प्रोसीड नहीं करना है तो नहीं। एक बार चेक कर लेते हैं इस फाइल की क्रिएट हो गई है, मैंने न्यू लाइन कैरेक्टर यूज़ नहीं किया तो क्या इफेक्ट आया, इफेक्ट कुछ नहीं आ रहा है, तो डेट मीन्स ये ऑप्शनल पार्ट है, आप इसे चाहो तो लिख सकते हैं, नहीं चाहो तो कोई बात नहीं, ये तब भी वर्क करेगा। हाँ यहाँ पे फ़र्क आएगा, यहाँ पर फ़र्क आएगा जो मैं आपसे बात करना चाह रहा था, क्योंकि नोट पैड तो एक स्टैंडर्ड एप्लीकेशन है, राइटर है, लेकिन इसका एक्सेल में फ़र्क पड़ेगा। एक्सेल में देखिएगा आप, एक्सेल में एक एक लाइन छोड़ के आ रहा है, तो ये मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि न्यू लाइन इक्वल्स टू ये करके क्या होगा, विंडोज़ की प्रॉपर्टी है, हर एक इंफॉर्मेशन जो है वो प्रॉपर रोज फॉर्म में आएगी। तो इट विल बी रिकमेंडेड दैट व्हाइल क्रिएटिंग दिस काइंड ऑफ प्रोग्राम यू ऑलवेज यूज द मेथड न्यू लाइन इक्वल्स टू दिस वन, तो इससे हर रिकॉर्ड हमारा सिस्टमेटिकली रो वाइज इसमें चेक हो जाएगा, ठीक है।